हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने आज थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूँ मोटिवेशन की। ये हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सफलता और असफलता हर इंसान के रास्ते में आती है, पर उसे किस तरह से एक इंसान अंजाम देता है, उस असफलता उस सफलता के बीच में किस तरह से खड़ा होता है, वही असली इंसान कहलाता है। तो शुरू करते हैं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। असफलता और सफलता दोनों की अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे, सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। दोस्तों, बात करते हैं आज कुछ बेहतरीन बातों की जो आपके अंदर एक आग लगा देगी। ये एक टोटल मोटिवेशन वीडियो होगी, बहुत फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो के साथ आपको। थोड़ा सा भी किसी को फ़ायदा होगा तो शायद इस YouTube चैनल का कोई ना कोई मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, सभी को फ़ायदा नहीं होता किसी भी चीज़ में, कोई गालियाँ निकाल सकता है, मैं पहले भी ये बातें कर चुका हूँ। शायद एक पर्सन को पसंद आए, शायद किसी ना किसी को मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आएगी। चलो देखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं, पूरी मैंने इसमें कोशिश की है, मैंने पूरी जान लगा दी है इस वीडियो को बनाने में। आपको ये वीडियो, दोस्तों पूरी जान लगी है ये वीडियो बनाने में, शायद आपको पसंद आए वीडियो। ज़रूर मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूँगा सबसे पहले। अब कॉन्फिडेंस लेवल पे देखो ज़रा, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पे हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। दोस्तों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में हो आप, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जॉब करना चाहते हो, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है आप सफल नहीं हो पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको डर से दूर रहना होगा, आपको अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें आप नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका जीरो ही रहेगा। 100% कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं आएगा, ये वादा है मेरा। डर को ख़त्म करो अंदर से। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि डर को कैसे ख़त्म करें, शायद मुझसे बड़े भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पर एक मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, डर को तब तक आप ख़त्म नहीं कर पाओगे जब से आपको किसी चीज़ को पाने के लिए आपको अंदर से चाह नहीं होगी। चलो आपने पा भी लिया वो चीज़, पर अभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको पूरा करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी, खुल के लाइफ जीनी पड़ेगी। जैसे पॉजिटिव रहने के लिए आपको वॉकिंग, जब तक अपनी, सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। सबसे पहले अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को सही कीजिए, जिम जाइए, वॉकिंग कीजिए। जब तक आपको अंदर से फील नहीं आएगी कॉन्फिडेंस की, तो आप बाहर भी अपने कॉन्फिडेंस को लोगों को नहीं बता पाओगे। आपको अपने अंदर ही बिलीव करना पड़ेगा किसी चीज़ को पाने में। जब आपने ये कर लिया ना, ज़िंदगी में सफल हो जाओगे। डर को ख़त्म करो, लोगों से मत डरो कि मैं इसको क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कर रही हूँ। कई बच्चे होते हैं डरते हैं, कोई पूछ लेगा मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं होता बताने में, झूठ बता दीजिए मैं ये कर रहा हूँ। उनको कोई आपने सैलरी थोड़ी ना देनी है जाके, कभी कॉन्फिडेंस लेवल को जीरो नहीं करना। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ना, पालोगे कुछ ना कुछ। सेकंड बात करते हैं एडवाइस, क्या होता है एडवाइस में। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम एडवाइस लेने लग पड़ते हैं अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में सफलता पाई, उनसे एडवाइस लेने लग पड़ते हैं, उनके डिसीज़न पे चलने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं है वो डिसीज़न आपके लिए बेटर होगा, जिसने सक्सेस पा ली है लाइफ में, ऐसा नहीं है वो डिसीज़न आपके लिए ही सही होगा। आप हर इंसान से जो सक्सेसफुल है, नहीं है, फ्रेंड है, सभी से एडवाइस लीजिए, फैमिली से लीजिए,
जहाँ भी आपको एडवाइस मिल रही है, यूट्यूब से मिल रही है, किसी वेबसाइट से मिली, फेसबुक से मिली, कहीं ना कहीं से, या बुक्स कोई आप पढ़ रहे, मोटिवेशन की एडवाइस मिल रही है। अब उस एडवाइस को आपको एनालाइज खुद करना पड़ेगा कि वो आपके लिए बेटर है नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है जो आप एडवाइस सुन रहे हो उस पर चलोगे, शायद वो आपको अंदर से लगेगा ये एडवाइस मेरे लिए नहीं है। अब आपके सामने दो एग्जांपल ले ले रहा हूँ। एक बच्चा है, सिंगर है, ठीक है, वो सिंगिंग करता है, वो बेटर प्लेटफॉर्म ने उसने कंपटीशन जीते हैं। अब उससे आप एडवाइस ले रहे हो, अब आपका भी थोड़ा सा मन करता है मैंने सिंगर जाकर बनना है, पर आपकी आवाज़ नहीं है उतनी जो सिंगिंग वाली है, पर अब उससे एडवाइस ले रहे हो, उसको फॉलो करके आप सीखने चले जाते हो, वो गलत हो गया क्योंकि आपके अंदर से नहीं है, आपने अपने फ्रेंड को देख के इस चीज़ को टैकल कर लिया, या इसको आप बिजनेस में भी ले सकते हैं। इसलिए जब तक आप फॉलो कीजिए सभी को, पर अपने अंदर को झांक लेना कि ये मेरे लिए बेटर है कि नहीं है। जब तक वो बेटर नहीं है तो वो आपके लिए सक्सेसफुल के रास्ते पर, सफलता के रास्ते पर वो एडवाइस आपको कभी नहीं लेके जाएगी। इसलिए सुनिए सभी की, करिए अपनी जो आपको बेटर लगता है। प्लानिंग, ए गोल विदाउट ए प्लान इज़ अ जस्ट विश, ठीक है। अब प्लानिंग, जब तक आप काम करने की कोई योजना नहीं बना लेते तब तक आपको कोई भी काम सही ढंग से नहीं होगा। आप दोस्तों एक टाइम टेबल बनाइए, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, अपने लाइफ में करना क्या है, स्टडी मटेरियल देखिए क्या आपने पढ़ना है। आपकी जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो आपको किस तरह से पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना मैंने अपनी स्टडी के लिए दिया, कितना मैंने अपनी जॉब के लिए दिया, कितना मैंने अपने बिजनेस के लिए दिया। ये जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जब तक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम टेबल भी ज़रूरी है लाइफ में, वो आप उसे बनाइए। अभी प्लानिंग की बात हो रही है, ठीक है, कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको गोल की कोई भी प्लानिंग नहीं होगी तो ये निश्चित है कि फ्यूचर में आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे और आपका मेन टारगेट भी अधूरा रह जाएगा। आगे चलते हैं। टाइम टेबल बनाइए अपनी लाइफ में, टाइम टेबल बनाइए कि मैंने अपनी लाइफ में ये करना है। आज मुझे पता है मैंने ये चैप्टर पढ़ने, आपको जब तक आपका टाइम टेबल नहीं लगेगा आप पूरी रात हो जाएगी, आपको लग रहा है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, पर जब कंपटीशन की बारी आएगी, जब एग्ज़ाम में बैठोगे, ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, पढ़ लिया होता उस दिन ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, मैं कुछ कर जाता, क्योंकि आपका प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होगा। टाइम टेबल बनाइए। आप देखिए, आप एक फ्रेशर हो या आप प्रेपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की, या आप जॉब कर रहे हो उसके साथ आप कॉम्पिटिटिव की प्रेपरेशन भी कर रहे हो, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, जो आपको बेटर लगता है वो टाइम टेबल बनाइए। किसी फ्रेंड से पूछ के टाइम टेबल ना बनाइए। जब आपका एक टाइम टेबल हो जाएगा सुनिश्चित, तो आपको पता चल जाएगा मैंने किस समय पढ़ना है, किस समय अपने अपनों को एनालाइज करना है किसी भी चीज़ में, ठीक है। और जब आपका टाइम टेबल नहीं होगा तो आप धैर्य भी नहीं रख पाओगे अपने अंदर, आपके अंदर पेशेंस की भावना भी नहीं होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा। यही समय होता है पेशेंस आपकी परीक्षा लेता है, और तब आप उन हालातों को कैसे हैंडल कर पाते हैं। आपको खुद में धैर्य बनाए रखना होगा, अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपको ज़िंदगी मेहनत की होगी, मतलब कि आपको अब तक ज़िंदगी मेहनत की होगी पर सब ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि आपको सारी ज़िंदगी जो भी आप कर रहे हो विदाउट टाइम टेबल, मतलब कि विदाउट टाइम टेबल आप कुछ भी कर लो, धैर्य भी पेशेंस भी आपका हकदार नहीं होगा। आपको लगेगी मैं वो अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे कंपटीशन या किसी जॉब या बिजनेस में सफलता नहीं मिल पाती, यही कारण है टाइम टेबल नहीं होना मेन मोटिव है। इसलिए प्रॉपर टाइम टेबल भी बनाइए, नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेगेटिविटी सबसे बड़ी बात है जो आपको सफलता की रास्ता में अड़चन डालती है। कई पड़ोसी, कई रिश्तेदार, कई बार तो फैमिली वाले भी आपको गलत कह देंगे,
यही कारण है आपको सफलता नहीं मिल पाती और आप नेगेटिव हो जाते, परेशान हो जाते, डिप्रेशन का शिकार। कई इंडिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार है इसी कारण से, क्योंकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए अपना प्रॉपर प्लान बनाइए क्या करना है लाइफ में, ज़रूरी है वो। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बनता है। निरंतर प्रयास करते रहिए। बच्चे के करते हैं 2 साल देखते हैं, 1 साल देखते हैं, 3 साल देखते हैं, नहीं होता है तो वो प्रेशराइज हो जाते हैं, जो एक सबसे बड़ी सफलता में रुकावट पैदा कर देती है। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार आपको लेट मिलता है, पर आपको मिलता है। आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी, आपको चीज़ें आसानी से मिलने लग पड़ेंगी। ऐसा नहीं है, अब बात करें तो निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा आपको चीज़ें मिलने लग पड़ेगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल पर आपको चीज़ें मिलने लग पड़ेंगी। धीरे धीरे कंपटीशन बनाए रखें ज़िंदगी में, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि कई आपने भी देखे होंगे, अपने एरिया में देखे होंगे, किसी एक्टर की आपने मोटिवेशन वीडियो देखी होगी, कई बार असफल हुए। अब संदीप महेश्वरी जी को ले लो, वो कितनी बार असफल हुए हैं, पर वो सफल है क्योंकि उन्होंने निरंतर प्रयास किया रहा। और अकेले चलना सीखें दोस्तों, दोस्तों के साथ चलना ना सीखें, नहीं तो आप ज़िंदगी में सीख नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है। अकेला चलना सीखोगे तो आपको जल्दी चीज़ें मिलने शुरू हो जाएंगी। यही था जो आपको बताना था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।